सब्सक्राइब कीजिए धेय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 26 मार्च को तकरीबन 5 लाख के आसपास पहुंच चुका था, जबकि इससे मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 22,000 के आसपास थी। भारत में भी कोरोना की वजह से लोगों में खौफ है। ताजा जानकारी मिलने तक भारत में कुल संक्रमण के मामले 649 तक पहुँच गए थे और इससे मरने वालों की कुल संख्या 14 हो गयी थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस लॉकडाउन के चलते सभी सरकारी और निजी संस्थानों को 21 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए और लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इस लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई थी, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि शामिल हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कई लोग जिनकी रोजी रोटी रोज की आमदनी पर निर्भर है, उन लोगों के लिए ये वक्त दुश्वारी का है। इसके अलावा गरीब और बेसहारा लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं। इन सभी मुश्किलों से निजात देने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने 26 मार्च को एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। यह आर्थिक पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस आर्थिक राहत पैकेज की उम्मीद काफी दिनों से की जा रही थी। आज के डीएनएस में हम जानेंगे केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में, साथ ही इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर और दूरगामी प्रभावों की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से आए आर्थिक प्रभाव को देखते हुए 26 मार्च को आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज में कुछ खास पेशकश की। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के मद्देनजर सीधे सीधे प्रभावित गरीब और दिहाड़ी मजदूरों और गाँव में रहने वाले लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। साथ ही वित्त मंत्री ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ मजदूरों के लिए 31,000 करोड़ रुपए के फंड के सदुपयोग के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए। राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को जारी रखने के लिए मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग और अन्य जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग करने की आजादी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनमें 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और जिनमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है, उनके कर्मचारियों के EPFO खाते में सरकार अगले 3 महीने तक कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे जमा करेगी। सरकार दोनों की तरफ से 12-12% का योगदान करेगी। इस कदम से तकरीबन 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा होगा। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा। अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड खाते से 75% राशि या 3 महीने की सैलरी, जो भी राशि कम हो, उसकी निकासी करने में सक्षम होंगे। एक बार धन निकासी करने के बाद ये पैसे उन्हें वापस नहीं करने होंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार ने इन लोगों के लिए 50 लाख के बीमा कवर की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान राशन की समस्या से जूझ रहे 80 करोड़ गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य राहत दी जाएगी। ऐसे लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल पहले से मिल रहा था। नए ऐलान में अब सरकार ऐसे लोगों को 5 किलोग्राम राशन अगले 3 महीने तक मुफ्त में देगी। ऐसे लोगों को अब अपनी पसंद की 1 किलो दाल हर महीने मुफ्त बांटी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा। हर एक नागरिक को खाने के लिए राशन मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने पैकेज में किसानों को भी राहत दी है।
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नई घोषणा में उन्हें 2,000 रुपए सीधे तौर पर दिए जाएंगे। इस फैसले से लगभग 8,69,00,000 किसानों को इस मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी। ये धनराशि अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम करने वालों को पहले 182 रुपए मिलते थे, नई घोषणा में ये रकम बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। इससे अमूमन 5,00,00,000 परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को भी नई घोषणा में फायदा पहुंचाया गया है। ऐसे लोगों के खाते में 3 महीने तक 1,000 रुपए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ या DBT के जरिए भेजे जाएंगे। जो महिलाएं जन धन योजना के तहत खाता धारक हैं, ऐसी महिलाओं के खाते में 500 रुपए की राशि DBT के जरिए भेजी जाएगी। इससे लगभग 20,00,00,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मद्देनजर 8,00,00,000 से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को खुशखबरी दी है। उज्ज्वला योजना के तहत इस मुश्किल वक्त में ऐसी महिलाओं को 3 महीने तक LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। अपनी घोषणा में वित्त मंत्री ने 63,00,000 स्वयं सहायता समूह को 20,00,000 रुपए तक का कर्ज देने की बात कही है। इन समूहों को ये कर्ज बिना किसी कोलेट्रल के दिया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूह से जुड़े करीब 7,00,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। पहले ऐसे कर्ज की सीमा 10,00,000 रुपए थी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को आयकर और GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि और पैन से आधार को जोड़ने के लिए आखिरी तारीख को 3 महीने बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा GST सालाना रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी 31 मार्च से बढ़ाकर जून के अंतिम सप्ताह तक कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की इस मुहिम में इन आर्थिक सहूलियतों से एक नया बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना के खिलाफ चलने वाली ये जंग कितनी लंबी होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस ऐलान से सरकार ने समाज के हर नागरिक और खासकर पिछड़े तबके के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। जाते जाते हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि कोरोना को हराना है तो घरों में रहें, बाहर ना निकलें, सरकार के निर्देशों का पालन करें ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।